नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे कि हम तेज़ी से वज़न बढ़ाने के लिए घरेलू उपाय। जी हाँ दोस्तों, कितने लोग परेशान रहते हैं कि घर पे किस तरह से अपना वज़न तेज़ी से बढ़ाया जाए। मान लिया जाए कि कितने लोग इतने परेशान रहते हैं कि वो अपना वज़न बढ़ा नहीं पाते, और कितने लोग ऐसे परेशान रहते हैं कि उनके वज़न बढ़ते ही नहीं है, और कितने लोग दुबलेपन का शिकार रहते हैं। तो दोस्तों, आपकी फिट बॉडी रहेगी, वज़न परफेक्ट रहेगा, आपका लुक भी अच्छा लगेगा और आपको अंदर से कमज़ोरी फील नहीं होगी। तो दोस्तों, ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है तो भी आपका मोटापा घेरने की वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपना वज़न परफेक्ट रखना है तो परफेक्ट वज़न के हिसाब से आपको मैं 7 घरेलू उपाय बताऊँगा जो आपको घर पर ही अपने वज़न बढ़ा सकते हैं। तो पहला चीज़ है दोस्तों, आलू। अब ये आलू का सेवन करना है आपको वज़न बढ़ाने के लिए। जी हाँ, अपने डाइट में नियमित, मतलब हर रोज़ आलू का सेवन करना है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि आलू में कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स शुगर होता है जो वज़न बढ़ाने में मदद करता है। इसके लिए आप आलू किसी भी तरीके से खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा तला भुना करके नहीं खाए, उसे उबाल के खाए तो और भी परफेक्ट आपको लेयर अच्छा रहेगा। अब दोस्तों अगला चीज़ें बात करते हैं, अंडा। अंडे में फैट और कैलोरी काफ़ी होती है और इसका रोज़ाना सेवन करेंगे तो वज़न ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको कच्चा अंडा भूलकर भी सेवन नहीं करना है। इससे क्या होता है कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और इससे हानि भी पहुंच सकती है। अगली चीज़ है दोस्तों, घी। घी के बारे में तो सभी जानते हैं कि घी खाने से वज़न बढ़ता है। इससे सैचुरेटेड फैट्स और कैलोरी की काफ़ी अच्छी मात्रा आपको मिलती है, जिससे आपको वज़न बढ़ाने में मदद मिलती है। घी आप खाने में डालकर भी खा सकते हैं, या फिर इसको चीनी के साथ, मतलब खड़ी शक्कर के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि घी की मात्रा आप अधिक न लें, क्योंकि घी का ज़्यादा सेवन करने से भी आपका पेट खराब हो सकता है। तो सीमित मात्रा में ही घी का सेवन करें। अगली चीज़ है केला। वज़न बढ़ने की सबसे अच्छा तरीका है कि केला खाएं। वज़न बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि केला खाएं। रोज़ाना केले का सेवन करेंगे तो वज़न ज़रूर बढ़ेगा। केले में भरपूर मात्रा में कैलोरी होती है जो शरीर को न सिर्फ एनर्जी देती है बल्कि वज़न बढ़ाने में भी काफ़ी मदद करती है। केला आप दूध के साथ भी खा सकते हैं, या इसके अलावा केले को शेक बनाकर भी ले सकते हैं। अगला चीज़ है, आपको डाइट में शामिल करना है किशमिश। रोज़ाना दिन भर में एक मुट्ठी किशमिश खाएं। इसे भिगोकर खाएं या आप कच्चे खाएं, लेकिन भिगोकर खाने से और भी अच्छा फ़ायदा होगा। ऐसे करने से आपका वज़न तेज़ी से बढ़ेगा। इसके अलावा किशमिश और अंजीर को आपको क्या करना है, सीमित मात्रा, मतलब बराबर मात्रा में आधा आधा भाग बांट कर उसे रात में कोई भी कटोरी अलग अलग बर्तन में भिगो लीजिए और उसको सुबह उठते ही सेवन कीजिए। दोस्तों, इससे आपका वज़न अवश्य बढ़ेगा। अगली चीज़ है बादाम। जी हाँ दोस्तों, बादाम भी में भी काफ़ी हद तक आपको वज़न बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके लिए आपको क्या करना है, 4 से 5 बादाम रात भर पानी में भिगो कर रख देना है। अगले दिन इसे सुबह उठकर दूध के साथ घोल लें और 1 महीने तक इसे रोज़ाना पिए। इससे आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब अगली चीज़ है पीनट बटर। जी हाँ दोस्तों, पीनट बटर यानी मूँगफली। जी हाँ दोस्तों, मूंगफली का मक्खन आप खाएंगे तो आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। आप ऐसे कैसे भी खा सकते हैं, आप इसमें क्या करते हैं, ब्रेड पे भी लगा के या रोटी पे लगाकर पीनट बटर का सेवन कर सकते हैं। पीनट बटर में हाई कैलोरी की मात्रा होती है और हाई कार्बोहाइड्रेट होता है, जो आपको भरपूर मात्रा में आपके शरीर को शक्ति देता है, प्रोटीन देता है और आपकी वज़न बढ़ाने में भरपूर मात्रा में आपको हेल्प करता है। तो दोस्तों, ये कुछ 7 चीज़ें मैंने घरेलू उपाय बताए हैं जो आपको घर पे ही यूज़ करके आप अपने तेज़ी से वज़न बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो के द्वारा आपको कोई मदद मिल रही है या आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे मेरी वीडियो के, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह का हमारे सपोर्ट बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हम इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय।